हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम नरोत्तम जाएंगे। टुडेज टॉपिक इज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब लीनियर का मतलब क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन जो हमने 10th क्लास में डिस्कस की हुई है कि जैसे एक जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू कितनी, पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझना चाहते हैं कि एक टेबल है और एक चेयर है, ठीक, क्लियर। अब टेबल और चेयर, तो टेबल की कॉस्ट है सपोज करो तो ये 2,500 रुपये, टेबल की कॉस्ट है 2,500 रुपये और उस टेबल पर आपको प्रॉफिट मिलता है 250 रुपीज का, क्लियर। इसी तरीके से एक चेयर की कॉस्ट है 500 रुपये और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होता है 75 रुपीज का, क्लियर। तो अब आप क्या आता है कि आप मार्केट में जा रहे हो तो टेबल और चेयर कितनी खरीदोगे, लेकिन उसके लिए आपके कुछ कंडीशन है और कंडीशन ये है, आपका बजट, आपका बजट कितना है, सिर्फ 50,000 रुपये, आपके पास 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं है। दूसरी बात है स्पेस, आप टेबल और चेयर खरीद तो लिए लेकिन आप उनको ला के रखोगे तो आपके लिए स्पेस फिक्स है, आपके लिए स्पेस फिक्स है तो आप टोटल 60 पीस ही ला सकते हो, क्लियर। अब बात आती है कि आप कितनी टेबल और कितने चेयर खरीदोगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, क्लियर। तो जैसे मैं बात करूं कि आप सभी टेबल खरीद लो, ऑल टेबल खरीद लो, तो ऑल टेबल खरीद लो, क्लियर। आपने सभी टेबल खरीद ली, तो सभी टेबल खरीदी तो आप देखो कितनी टेबल्स खरीद सकते हो, आपके पास कितनी है, टोटल पैसे कितने हैं आपके पास, ये 50,000 रुपए, क्लियर। और एक टेबल का कॉस्ट कितना है, ये 2,500 रुपए, तो इसको आप ये डिवाइड कर दोगे तो मतलब आप कितनी टेबल खरीद सकते हो, 20, आप टोटल 20 टेबल खरीद सकते हो, क्लियर। आप 20 टेबल खरीद सकते हो, एक टेबल पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक टेबल पर प्रॉफिट हो रहा है 250 रुपीज का, तो 20 टेबल पर प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, यहां पर प्रॉफिट होगा एक टेबल पर 20 और 250 का हो रहा है तो 20 पर कितना होगा, ये हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 5,000 रुपए। अगर आप सभी टेबल खरीदते हो 50,000 रुपए में जाकर आप सभी टेबल्स खरीदते हो तो आपके पास टोटल कितना प्रॉफिट मिलेगा, 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर। अगर आपने आपके दिमाग लगाया कि मैं टेबल ना खरीद कर क्या खरीदूंगा, मैं सभी चेयर खरीद लेता हूं, तो पहले अगर आप सभी के सभी क्या कर लो, चेयर खरीद लो, सभी चेयर खरीद लो, तो क्या होगा, पहले तो ये डिसाइड करो कि आप कितनी चेयर खरीद सकते हो, आपके पास टोटल कितने पैसे हैं, 50,000 रुपए और एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपए, तो कितनी चेयर खरीद सकते हो आप इसमें इसका डिवाइड करोगे, क्लियर। ये कट गया, ये से कट गया, तो कितना आएगा, 100 चेयर खरीद सकते हो। लेकिन यहां पर एक दिक्कत और आ गई, क्या आ गई, कि आपके पास स्पेस फिक्स है, आपके पास स्पेस कंस्ट्रेंट फिक्स है, मतलब आपके पास क्या है कि आप 100 चेयर खरीद तो सकते हो लेकिन उन 100 चेयर को खरीदकर आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है, क्लियर। तो आप कितने, मतलब आप मैक्सिमम कितनी चेयर खरीद सकते हो, आप मैक्सिमम यहाँ पे 60 चेयर खरीद सकते हो, क्लियर, क्योंकि 60 से ज्यादा चेयर रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है। अब बात करते हैं 60 चेयर खरीद लिया आपने तो प्रॉफिट कितना होगा, एक चेयर पर प्रॉफिट हो रहा है 75 रुपीज का, तो 60 चेयर पर प्रॉफिट होगा, ये हो जाएगा 60 इंटू 75, ये कितना हो जाएगा, 4,250, क्लियर। तो मतलब अगर आप इन 50,000 में सभी चेयर खरीदते हो तो आपको 4,250 इतने रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर। तो बात यह आई कि आपका बजट बैठा नहीं, आपका बजट मतलब जो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, कुछ चेयर खरीदोगे और कुछ टेबल खरीदोगे, उससे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा लेना है, तो आपका मतलब टारगेट एक ही रहेगा आपका कि आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा गेन करना है, क्लियर। तो बात आती है कि जैसे मैं सपोज करो कि आपने जैसे इसमें क्या किया, सभी चेयर खरीद लिए, तो आपने यहाँ पर देखो 60 चेयर खरीदे, कुछ पैसे भी तो आपके पास बच गए, तो आपने क्या, जो 50,000 रुपए का आपने जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो भी पूरा नहीं हुआ, क्लियर। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट तो पूरा हो गया लेकिन आप सिर्फ 20 टेबल ही खरीद पाए, लेकिन आप 60 खरीद सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास स्पेस भी खाली पड़ गया, तो इसको बोलते हैं कि आपका ऑप्टिमाइज वैल्यू नहीं हुआ, क्लियर, ऑप्टिमाइज वैल्यू नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे कि कुछ चेयर भी खरीदे और कुछ टेबल भी खरीदे, तो सपोज करो जैसे हम इस तरीके से खरीदे, जैसे मैं खरीदू 10 तो टेबल खरीद लिया आपने और 50 चेयर खरीद लिया, क्लियर, 10 तो टेबल खरीद लिया और 50 चेयर खरीद लिया। अब इसमें देखो अगर आपने 10 टेबल खरीदी तो यहां पर देखो 10 और 50 कितने हो गए, टोटल 60 हो गए, तो आपके पास मतलब 10 और ये 60 जो टेबल चेयर खरीदा उसको लाकर आप अपने घर पे या जहां पे भी आपका क्या बोलते हैं, जहां पर आप रखना चाहते हो वहां पर आप रख सकते हो क्योंकि आपके पास 60 का स्पेस है, क्लियर। अब बात आती है कि ये तो हो गया, अब कॉस्ट प्रॉफिट देखे कि प्रॉफिट कितना होगा,
प्रॉफिट कितना होगा, और फिर पहले कॉस्ट भी देख लेते हैं कि अगर आप 10 टेबल खरीद देते हो तो आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी। ये लगेगी 10 × आपके पास 25,000 रुपए की टेबल खरीदने में लग जाएंगे, 25,000 रुपए की टेबल खरीदने में लग जाएंगे। और अगर चेयर खरीदोगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट कितनी होगी, ये हो जाएगी चेयर कितनी खरीद रहे हो आप, चेयर कितनी खरीद रहे हो, 50 खरीद रहे हो, तो 50 × 500 ये कितना हो जाएगा, 25,000। तो इसका मतलब जो आपने सोचा 50,000 रुपए, वो 50,000 रुपए आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। क्लियर, मतलब आपके पास 50,000 रुपए थे जिसमें आपने 25,000 की तो क्या खरीद ली, 25,000 की तो टेबल खरीद ली, और 25,000 के क्या खरीद लिए, चेयर खरीद लिए। क्लियर, अब आप स्पेस भी फुलफिल हो गया, स्पेस आपके पास टोटल 60 का था, 60 का स्पेस फुलफिल हो गया। अब आप इससे देखो कि प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट देखे, प्रॉफिट तो देखो जैसे मानो कि एक टेबल पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 250 रुपीज का, तो 10 टेबल पर कितना होगा, 10 × 250, ये कितना हो जाएगा 2500। और इसके ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, एक टेबल पर प्रॉफिट हो रहा है 75 रुपीज का, तो ये कितना हो जाएगा 50 × 75, ये कितना होगा 3750। क्लियर, तो ये क्या हो गया, चेयर पर प्रॉफिट हो गया, और ये क्या हो गया, 10 टेबल्स पर प्रॉफिट हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट होगा, दोनों का ऐड कर लो, ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 3750, ये हो जाएगा 6250। मतलब इस बार प्रॉफिट कितना हो गया, 6250, ठीक है, इतना प्रॉफिट हो गया। तो बात ये आई कि आपकी जो भी कंडीशंस है उन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए आप मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्लियर, तब मेरी बात का कंक्लूजन ये निकलता है कि आपके पास कुछ डिसीजन वेरिएबल, अब मैं आपको जो मैथ्स में आऊँ, डिसीजन डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कितनी टेबल और चेयर खरीदनी है, उनको बोलते हैं डिसीजन। ये आप डिसाइड करोगे कि कितनी टेबल और चेयर खरीदोगे, तो ये तो हो गया आपका डिसीजन वेरिएबल हो गया। क्लियर, दूसरी बात आती है कंस्ट्रेंट, ये लिखा हुआ कंस्ट्रेंट लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट का मतलब होगा लिमिटेशन, आपके पास कुछ ना कुछ लिमिट्स है, आप उस लिमिट्स के अंदर ही आपको टेबल और चेयर खरीदनी है। यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि आपके पास मैक्सिमम 50,000 रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 50,000 से ज्यादा रुपए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पहली लिमिट तो ये है। दूसरी लिमिट क्या है, आप 60 पीस से ज्यादा खरीद नहीं सकते, 60 पीस से ज्यादा आप खरीद नहीं सकते। तो आपके पास ये दो क्या चीज आ गई, लिमिटेशन आ गई, कंस्ट्रेंट आ गई। क्लियर, तो ये क्या हो गई, कंस्ट्रेंट हो गई। और तीसरी क्या, ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। तो प्रॉफिट आपने क्या किया, मैक्सिमाइज किया, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया। तो मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो क्या करती है, उसके तीन चीज होते हैं, एक तो होता है डिसीजन वेरिएबल, एक होता है कंस्ट्रेंट लिमिटेशन, और एक क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे हम बात करें कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो मालिक है इंस्टीट्यूट का, वो क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा फैकल्टी लाके भर देगा, अगर ज्यादा से ज्यादा फैकल्टी लाके भर देगा तो उन फैकल्टीज को पेमेंट देना पड़ेगा। क्लियर, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाके भर दिए तो आप मतलब क्या होगा कि उसके अंदर बिल्डिंग भी होनी चाहिए। तो मतलब एक दायरे के अंदर ही उसमें मतलब उस मालिक को इस दायरे के अंदर ही काम करना पड़ेगा कि क्या होगा, उसके पास बिल्डिंग फिक्स है, उसके पास फैकल्टी फिक्स है, और फिर बात करते कितने बच्चे बैठाने हैं वो भी अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। एक क्लासरूम में मैक्सिमम 35 बच्चे बैठा सकता है, तो वो मतलब एक डिसीजन होगा। तो क्या होगा, देखो हर मालिक का एम रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करें। क्लियर, दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि उसके पास नंबर ऑफ क्लासरूम फिक्स रहेंगे, आप उसमें से ज्यादा क्लासरूम नहीं बना पाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो कि बिल्डिंग बना बना के रख दिया फिर बच्चे नहीं आए। क्लियर, दूसरी कंडीशन ये होगी कि फैकल्टीज कितनी लाएगा, फैकल्टीज को पेमेंट करना पड़ेगा, तो फैकल्टीज को पेमेंट करने के लिए पेमेंट आएगा तभी तो पेमेंट करेगा। क्लियर, तो तीन चीज आ गई यहाँ पर। फर्स्ट चीज क्या है, एक तो आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बात है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होगा कि सभी कंपनी, सभी जो मालिक है, इंस्टीट्यूट है, जो मैनेजर है, जो भी है, उन सबका एक ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि जैसे मान लो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर, जैसे बात को कॉस्ट की बात करें, मतलब कोई भी जैसे कोई सामान खरीदने जाए तो उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम लगनी चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम लगनी चाहिए। तो सभी मालिक का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। कोई भी चीज खरीदे, टेबल चेयर खरीदे, तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। दूसरा, ये तो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। दूसरी बात आती है कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन मतलब एक दायरा, एक लिमिट होती है कि आपको इसी लिमिट के अंदर काम करना है। क्लियर, जैसे बात किया कि स्कूल की बात करें, कोई इंस्टीट्यूट की बात करें, इंस्टीट्यूट में आपके पता है बिल्डिंग्स फिक्स है,
कि आपने एक बिल्डिंग बना दी, दो बिल्डिंग बना दी, अब दो से ज्यादा ऐसे तो है नहीं कि भाई बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी, तो आप उन सब में बिल्डिंग बना बनाने से क्या होगा, उनमें बच्चे भी तो आने चाहिए, तो कंस्टेंट फैकल्टीज फिक्स है, तो ये क्या हो गई कंस्टेंट इक्वेशन हो गई। और एक लास्ट में क्या है डिसीजन वेरिएबल, आप डिसाइड करोगे कि कितने बच्चे बैठाने हैं, कितने कितनी फैकल्टीज लानी है, ये सब क्या करोगे आप डिसाइड करोगे डिसीजन वेरिएबल। तो तीन चीज है, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है, ए लीनियर फंक्शन जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट विच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या मतलब होगा, जैसे अभी हमने बात की थी कि टेबल और चेयर खरीद रहे थे, तो टेबल के अंदर जैसे बात की थी कि ऑब्जेक्ट क्या था, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, ऑब्जेक्ट क्या था कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, तो मतलब जैसे एक टेबल पर प्रॉफिट हो रहा था कितने का 250 रुपीज का, तो सपोज करो जैसे एक्स टेबल खरीद रहे हो तो कितने का हो जाएगा प्रॉफिट, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 इंटू एक्स, मतलब सपोज करो अगर आप एक्स टेबल खरीद रहे हो तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा एक्स टेबल पर 250 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस चेयर कितनी खरीद रहे थे आप, सपोज करो वाई चेयर खरीद रहे हो तो प्रॉफिट कितना होगा 75 इंटू वाई, तो ये क्या बन गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, क्लियर। तो मतलब ax प्लस by, ax प्लस by, Airbnb, which, इसको क्या करना है आपको मैक्सिमाइज करना है, मतलब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज भी कर सकते हो। तो एक टेबल पर आपको 250 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो सपोज करो अगर आप x टेबल खरीद रहे हो तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 250 इंटू एक्स होगा। ऐसे बात करें कि आपने क्या किया 75 रुपीज का एक चेयर पर प्रॉफिट हो रहा था और आपने y चेयर खरीदा, तो ये चेयर प्रॉफिट कितना होगा 75 इंटू वाई होगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। अब बात आता है कि आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट को क्या करना है मैक्सिमाइज करना है, तो z इक्वल टू क्या लिख दिया ये 250x प्लस 75, इसको क्या करना है आपको मैक्सिमाइज करना है, इसको क्या करना है इसको मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, ये मैक्सिमाइज करना है, क्लियर। ये z इक्वल टू इसको मैक्सिमाइज करना है, क्लियर। अब ये तो क्लियर हुआ, अब नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट की बात की थी लिमिटेशन, तो लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। क्या मतलब होगा इसका, सपोज करो अभी बात की थी कि आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी है 50,000 रुपए, टोटल कॉस्ट कितनी है 50,000 रुपए, तो आपने करो कि एक्स तो टेबल खरीदी, क्लियर, और एक टेबल की कॉस्ट कितनी थी, ये थी 2,500 रुपए और इंटू एक्स, क्लियर, और प्लस उसकी कॉस्ट कितनी थी 500 रुपए, चेयर की कॉस्ट 500 इंटू वाई, ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 50,000 रुपए, तो ये लेस देन एंड इक्वल टू होगा 50,000, क्लियर, 50,000 रुपए ही होगा। तो ये क्या बन गई आपकी एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन बन गई। कैसे है समझ, इसको समझने की कोशिश करना दोबारा कि सपोज करो एक मतलब एक टेबल की कॉस्ट कितनी थी अपने पास 2,500 रुपए, एक्स टेबलों की कॉस्ट कितनी होगी 2,500 इंटू एक्स होगी, क्लियर, ऐसे ही एक चेयर की कॉस्ट थी 500 रुपए, तो वाई चेयर की होगी 500 इंटू वाई हो गया, दोनों का ऐड किया, लेकिन आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 रुपए, मतलब आप 50,000 या फिर उससे कम ही इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या बन गई है आपकी एक कंडीशन बन गई, एक इंस्ट्रक्शन बन गया, ये क्या बन गया एक इनइक्वलिटी बन गई, क्लियर, कंडीशन बन गई। ऐसे आपके पास एक कंडीशन और थी कि आपके पास टेबल और चेयर की मैक्सिमम पीस कितनी हो सकती है 60, तो आपको पता है ये हो गया एक एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 60, क्लियर, इस तरीके से दो इसके इंस्ट्रक्शन बन गए, ये क्या बन गया आपके लिमिटेशन बन गया, आप इन दोनों लिमिट्स, तो ये क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंट बोलते हैं, इनको कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशन, लिमिट्स होती है, क्लियर। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम विच सीक द मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑफ ए लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू ए कंस्ट्रेंट, सर्टेन कंस्ट्रेंट एज डिटरमाइंड बाई ए सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो भी लिमिटेशन, जो भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, मतलब आपको क्या करना है इस लीनियर प्रोग्रामिंग को, लीनियर जो लीनियर का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करो, मतलब ये होगा कि सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, तो जो सॉल्यूशन होगा वो जो प्रॉब्लम होगी उसको क्या बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होगी कि मतलब आपने लिमिट में काम करो, लिमिट में काम करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लो या फिर कम से कम आपकी कॉस्ट लगनी चाहिए, तो इस टाइप की प्रॉब्लम क्या होगी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी। ये लीनियर प्रोग्राम सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी जो क्या बोले सेट ऑफ द ऑल वैल्यू विच सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब आप ये ग्राफ
सॉल्यूशन कैसे बनेगा अभी हम डिस्कस करेंगे। फिजिबल सॉल्यूशन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द ऑल कंस्ट्रक्शन, मतलब वेरिएबल्स के जो सेट्स बनेंगे, जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशंस बनेगी, ये इनइक्वालिटी की जो इक्वेशंस बनेगी उनके अंदर जो सेट्स बनेगा, वैल्यूज बनेगी, उन सेट्स का सॉल्यूशन क्या होगा, कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा। और एक लास्ट है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ए फिजिबल सॉल्यूशन फॉर विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा फिजिबल सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी किसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो वो क्या होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। क्लियर, ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। तो ये डेफिनेशन है कुछ, ये आपके ज्यादा काम नहीं आएगी, लेकिन आपको ये डेफिनेशन को थोड़ा सा नोट कर लेना। क्लियर, और बात यह आती है कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है कि जैसे टेबल और चेयर खरीदा, कितनी टेबल चेयर खरीदी, ये सब क्या है, लीनियर प्रोग्राम, इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करना लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम है। क्लियर, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड आपके कोर्स में नहीं है, उसका नाम ही सिंपल है लेकिन वो थोड़ा हार्ड है। क्लियर, तो आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में ग्राफिकल मेथड। अब हम ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन करते हैं कि ये प्रॉब्लम किस टाइप से सोल्व होती है, जो आपने बात किया कि कितनी टेबल और कितनी चेयर खरीदनी है। क्लियर, तो वो हम ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। क्लियर, तब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, मैक्सिमाइज जेड और कंस्ट्रेंट दिस। तो क्या मतलब होगा, ये आपका क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको क्या करना है, आपको मैक्सिमम करना है, और ये आपकी क्या कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। क्लियर, तो इसका सॉल्यूशन देखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आएगा आपके लिए। क्लियर, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, तो सबका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उनको आप क्या कर दो, इक्वालिटी में बदल दो, इनकी इक्वेशन बना दो। तो क्या होगा, कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग इनइक्वालिटी इंटू इक्वेशन, इन इनइक्वालिटीज को आप क्या कर दो, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, नेक्स्ट क्या होगा 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्लियर, ये दो जो इनइक्वालिटीज है इनको क्या कर दिया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, ये लास्ट की दो बाद में बताएंगे क्या होगा। क्लियर, तो अब क्या करो, इनका ग्राफ बनाओ। क्लियर, तो फर्स्ट है इक्वेशन, दोनों का ग्राफ बनाना है अपने को, इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट, कहां कहां मीट करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कहां मीट करेगा, इसका ग्राफ बनाने का प्रोसेस वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था, कि क्या करो मिनिमम दो पॉइंट निकाल लो। तो इसका क्या करेंगे, अपन एक टेबल ड्रॉ करेंगे। क्लियर, ये हो गया एक्स और वाई, एक्स एक्सिस को कहां, एक्स मतलब क्या करो, एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, वाई की वैल्यू निकाल लो, एक्स की जगह जीरो पुट करो तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 15/5 कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर, और एक बार वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दो, देन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 15/3 कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये कहां कहां मिलेगा, एक तो 0.3 और एक 5.0, तो होगा 0.3 एंड 5.0। क्लियर, इसका हम क्या करें, ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। जीरो कोमा थ्री यहां होगा, ये हो गया 0.3, और 5.0 यहां ले ले, 5.0, इन दोनों को मिला लो, ये मिला लिया। क्लियर, क्लियर, अब ये तो क्या हुआ, इस इक्वल जो ये क्या है, इक्वल है, जब इक्वल का साइन है उसका ग्राफ है। क्लियर, अब ये क्या है, जब अपनी इक्वेशन क्या अनइक्वल है, अनइक्वालिटी है, तो इसका रीजन क्या होगा, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, कोई भी एक पॉइंट रख के सेटिस्फाई करो। तो हम पॉइंट ले लेते हैं जैसे 0.0, जिससे क्या होगा कि कैलकुलेशन कम होगी, तो आप करो सेटिस्फाई विद 0.0। जीरो जीरो से सेटिस्फाई करो तो क्या होगा, यहां पर इस इक्वेशन को 0.0 सेटिस्फाई करो, क्या हो जाएगा, 3×0 प्लस 5×0 और ये लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, तो ये क्या हो जाएगा, 0 <= 15। तो ये क्या है, ये ट्रू है, 0 15 से छोटा है, इसका मतलब ट्रू है, तो मतलब 0.0 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0.0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या होगा, इसका रीजन
में 0 0 को इंक्लूड कर दो, मतलब अगर 0 0 इधर है तो 0 0 को शामिल कर दो, मतलब इसका रीजन क्या होगा, इधर होगा 0 0 होगा, तो इसका रीजन होगा क्या होगा, रीजन कंटेनिंग ओरिजन, ठीक है, रीजन कंटेनिंग ओरिजन, मतलब ओरिजन, इसके रीजन में ओरिजन होगा, क्लियर। दूसरी बात करते हैं, दूसरी इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन कौन सी है, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, क्लियर। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ मिलेगा, मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी टेबल ड्रॉ कर लो, इसकी टेबल ड्रॉ कर लो, यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखो y, क्लियर। x की जगह 0 रखो, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो यह जाएगा 0.5, और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ये हो जाएगा 2.0, तो कहाँ होगा, एक तो एट 0.5 और 2.0, इन दोनों पॉइंट्स पर मिलेगा, तो इसका ड्रॉ करो, 0.5 इससे ऊपर होगा, यहाँ पर होगा 0.5, क्लियर, 0.5, और 2.0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये हो गया 2.0, क्लियर, इन दोनों को मिला लो, तो ये क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। अब इसमें इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, इसका रीजन पता करेंगे, इसका रीजन या तो इस लाइन के इस साइड होगा या फिर इस लाइन के उस साइड होगा, क्लियर। तो रीजन पता करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसको सेटिस्फाई कर लो, तो एक पॉइंट लेते हैं 0 0 ले लेते हैं, यहां पर लिखो सेटिस्फाई विद 0 0, सेटिस्फाई विथ 0 0, ठीक है, 0 0 सेटिस्फाई कराओ इस इक्वेशन को, तो कितना हो जाएगा, 5 × 0 प्लस 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 10, यह आ जाएगा 0 < 10, बताओ 0 10 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, क्लियर, ये ट्रू हो गया। अब बात करते हैं इसका मतलब, इसका रीजन में, इसके रीजन में भी क्या हो जाएगा, ओरिजन इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रीजन कंटेनिंग कंटेनिंग ओरिजन, क्लियर। तो मतलब देखो यहां पर क्या हुआ, इसका रीजन भी इधर हो गया, इसका रीजन भी इधर हो गया, क्लियर, ये चीज क्लियर, और दो इक्वेशन ये है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दो इक्वेशन ये है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब होगा, x ग्रेटर देन 0 मतलब होगा x पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0 इसका क्या मतलब होगा, y भी पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव इधर होगा, y पॉजिटिव इधर होगा, दोनों में कॉमन रीजन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इन दोनों का क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर, इन दोनों का मतलब उनका फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। अब आप देखो इन जो चार जो अपने पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन थी उनमें से कॉमन रीजन कौन सा निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना इस चीज को, इस रीजन, इसका रीजन इधर, इस लाइन का रीजन इधर, इसका x ग्रेटर देन 0 इधर और y ग्रेटर देन 0, सोच के देखो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन ये आएगा, ये आएगा, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर और इसका ऊपर, क्लियर। तो इन चारों का कॉमन रीजन ये आएगा। अब इनके, इन चारों के नाम दे दो आप, ये हो गया 0, इसको दे दो ओ, ए, बी, इसको दे दो सी, इसको दे दो डी और इसको नाम दे दो ई, क्लियर, इसको नाम दे दिया ई। अब क्या करें, सभी कॉर्नर पॉइंट्स निकालो, तो इस फिजिबल रीजन, इसको बोलेंगे फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन कौन सा होगा, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन होगा ओ ए ई सी, ओ ए ई सी, ये आपका क्या होगा, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन क्या होगा, ओ ए सी ई सी। अब इसमें क्या करते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, ए के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, सी के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, ई के कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता, तो ई के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ई का कोऑर्डिनेट निकलेगा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सोल्व करने पर ई का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब ई क्या है, इन दोनों लाइंस का क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इन दोनों लाइंस को आप क्या कर लो, सोल्व कर लो, तो ई का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइंस को सोल्व कर लेते हैं एक बार, तो हो जाएगा 5, कितना है, 3x + 5y इक्वल टू 15, और ये नेक्स्ट है 5x + 2y इक्वल टू 10,
ये क्या है, दोनों इक्वेशन है, इसको क्या कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे कर दो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 6x plus 10y equal to 30, और ये कितना हो जाएगा 25x plus 10y equal to 50, क्लियर, दोनों को माइनस कर दो, ये कट गया 10y से 10y, ये कितना होगा माइनस का 19x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 20, देन x equal to कितना जाएगा 20/90, और x की वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर रख दो, ये हो जाएगा 3 x की वैल्यू कितनी है 19/20 plus 5y equal to 15, एक काम कर लो 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करने पर, और इसको उधर भी ले जाओ, ये हो जाएगा y इक्वल टू, इसको 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 3 माइनस, ये कितना हो जाएगा 3 × 4, ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करने पर 4 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करने पर y बचेगा अपॉन 19, क्लियर है। अब एक काम कर लो, एक और काम कर लो, इसमें से 3 कॉमन ले लो, ये कितना बचेगा 1 − 4/19, 19 एलसीएम आ रहा है, 19 − 4 कितना होगा, ये हो जाएगा 3 × 15/19, ये कितना आ जाएगा 45/19, क्लियर। तो E का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, E का कोऑर्डिनेट हो गया 20/19 और 45/19, ये क्या हो गया E पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, क्लियर। तो आपके जो भी फिजिबल रीजन है उसके चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालिए, चार कॉर्नर पॉइंट है उन सबके कोऑर्डिनेट निकालिए, ये चीज क्लियर हुई सबको, क्लियर हुई। यहां पर लिख सकते हैं आप कोऑर्डिनेट ऑफ E, कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या होगा, एक तो होगा 20/19 और दूसरा होगा 45/19, ये क्या होगा E पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। अब बात करते हैं, अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी, क्लियर। उस टेबल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड तो लिखना पड़ेगा कॉर्नर पॉइंट और एक लिखना पड़ेगा जेड इक्वल टू, जेड कितना है अपने पास 5x + 3y, ये क्या है जेड है, क्लियर। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से है, एक तो है 0, 0, एक है 2, 0, एक है 0, 3, और एक क्या है, ये कितना है 20/19, 45/19, ये चार कॉर्नर पॉइंट है, क्लियर। इन चारों कॉर्नर पॉइंट पर आप जेड की वैल्यू निकाल लो, तो फर्स्ट निकालो 0, 0 पर जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 0 + 3 × 0, कितना आएगा ये 0 आएगा, यहाँ पर जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 2 + 3 × 0, ये कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ पर जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 0 + 3 × 3, ये कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ से जेड इक्वल टू कितना आएगा 5 × 20/90 + 3 × 45/90, क्लियर। यहाँ पर 90 एलसीएम आ रहा है, ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 135, 100 + 135 कितना हो जाएगा 235/19। इनमें से आपको जेड क्या निकालना था, मैक्सिमम निकालना था, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मतलब ये सभी क्या है जेड की वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी 10 से ज्यादा, तो ये क्या होगा मैक्सिमाइज होगा, तो ये क्या होगा मैक्सिमाइज होगा, तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 235/19, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ पे लिखना आप आंसर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना होगा 235/19 एट एक्स इक्वल टू 20/19 एंड वाई इक्वल टू 45/19, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, समझ में आया सॉल्यूशन। बात है जो भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उनको क्या कर दो, पहले इक्वालिटी में चेंज कर दो, इक्वालिटी में चेंज करने के बाद उन दोनों के क्या कर दो ग्राफ बना लो, उन दोनों की इक्वेशंस को ग्राफ ड्रॉ कर दो, फिर उनको किसी एक पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो, आसान रहेगा 0, 0 से सेटिस्फाई कर लो, 0, 0 सेटिस्फाई करने पर उसका रीजन पता चल जाएगा कि रीजन लाइन के इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, क्लियर। रीजन पता करने के बाद जो भी सभी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उन सब में से जो कॉमन रीजन है वो क्या होगा उसको आप क्या कर लो डार्क कर लो, क्लियर, लाइनिंग कर लो। अब वो क्या हो जाएगा आपका फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा फिजिबल रीजन हो जाएगा। अब उसमें जो भी आपके कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं सारे उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो, कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्लियर, निकाल लिया सभी कॉर्नर पॉइंट्स के, जैसे मान लो इनमें इन सबके दे रखे थे, इसका नहीं पता था तो इसको क्या कर दिया सोल्व करके निकाल लिया, क्लियर। अब बात आती है कॉर्नर पॉइंट को सोल्व करने के बाद सभी कॉर्नर पॉइंट पर जेड की वैल्यू निकाल लो, सभी कॉर्नर पॉइंट पर जेड की वैल्यू, अब आपको मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम जेड देख लो, मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम जेड देख लो, क्लियर।
तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड है, इसको आप ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये इसी में से क्वेश्चन आएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली मिनिमाइज। इस बार क्या करना है आपको, मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट, ये दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। क्लियर। तो इस बार मिनिमाइज करना है, तो प्रोसेस वही रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, यहां पे लिखना कन्वर्टिंग गिवन इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। इनइक्वालिटीज को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू फोर, और नेक्स्ट हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस फाइव। क्लियर, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब आप दोनों इक्वेशन को निकालो, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू फोर, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ मिलेगा, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट किस किस पॉइंट पर मीट करेगा, उसके लिए आप क्या कर दो, एक टेबल बना लो। x की वैल्यू जीरो रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी, फोर आएगी। y की वैल्यू जीरो रखने पर x की वैल्यू कितनी आएगी, फोर आएगी। क्लियर। तो पॉइंट हो गया जीरो कोमा फोर और फोर कोमा जीरो, तो हो गया फोर कोमा जीरो एंड जीरो कोमा फोर, इन दो पॉइंट्स पर मिलेगा। क्लियर। इसका ग्राफ बना लो आप। यहां पर होगा जस्ट सपोज करो जीरो कोमा फोर, और यहां पर होगा 4.0, इन दोनों को मिला लो, ये हो गया। क्लियर, 0.4 और 4.0। अब दूसरी बात करें, अब इसका रीजन भी तो पता करना है कि इसका रीजन इधर होगा उधर होगा, तो उसके लिए आप क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो, सेटिस्फाई विथ 0.0 सेटिस्फाई करो। तो 0.0 रख दो इसके अंदर, क्या हो जाएगा, 0 + 0 < = 4, तो 0 < 4, क्या 0 4 से छोटा होता है, क्या 0 4 से छोटा होता है, बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब 0 0 इसके अंदर कंटेन करेगा, तो यहां पे लिखो कंटेनिंग रीजन, कंटेनिंग रीजन, कंटेनिंग ओरिजन, ओरिजन। क्लियर, रीजन कंटेनिंग ओरिजन, आपका जो रीजन है वो ओरिजन को कंटेन करेगा। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन इक्वेशन कितनी है, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस फाइव, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एट किस किस पॉइंट पे मीट्स करेगा, तो आप क्या करो, इसका टेबल बना लो, एक्स और वाई, एक्स को जीरो पुट करो, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइव आ रही है। एक्स को जीरो पुट करने पर वाई की वैल्यू फाइव आ रही है, y को 0 पुट करो x के लिए कितनी आ रही है, माइनस का 2.5 आ रहा है, माइनस का 5/2 आ रहा है, तो माइनस का 5/2 यानी कि 2.5 हो गया। क्लियर। तो कहाँ कहाँ होगा, एक तो होगा 0.5 और एक होगा माइनस का 5/2.0। क्लियर। इसका ग्राफ बनाओ, 0.5 कहाँ होगा, 0.5 इससे ऊपर होगा, यहाँ पर होगा 0.5। क्लियर। नेक्स्ट होगा माइनस का 2.5, तो ये पीछे साइड होगा, ये चार, ये यहां से होगा माइनस का 5/2.0, तो इसका रीजन ये होगा, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये होगा इसका रीजन। क्लियर, ये इसका लाइन का ग्राफ होगा। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये है ना दो, तो इसका पहले रीजन तो पता कर लो, सेटिस्फाई विथ 0 0, सेटिस्फाई विथ 0 0 0 0 सेटिस्फाई करो इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 0 - 0 > -5, ये 0 > -5, क्या 0 - 5 से बड़ा होता है, क्या बिल्कुल होता है, ट्रू है, ट्रू है। तो इसका मतलब वही आ गया, रीजन कंटेनिंग ओरिजन। क्लियर, रीजन कंटेनिंग ओरिजन, तो मतलब इसका रीजन इधर होगा और इसका रीजन इधर होगा। क्लियर।
अब आप देखो एक चीज हो रहा है, दो को दो पॉइंट और दे रखे, एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो, इनका क्या मतलब होगा, रीजन कौन से में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, क्लियर, रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब आप देखो इनके जो इन सभी के कॉमन रीजन कौन सा आएगा, देखो इसका इधर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका इधर है तो कॉमन रीजन ये आएगा, ये आएगा, इसका इधर है, क्लियर, इसका इधर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, तो कॉमन रीजन ये आएगा, ये कॉमन रीजन रहेगा, चेक करो दे कैसे ये गया, कैसे इस लाइन के इधर इधर आना है, श्योर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो इनमें तो आएगा नहीं, इन तीनों क्वाड्रेंट में आएगा नहीं, और इसका इधर है, इसके सेट आ गया, क्लियर, तो कॉमन रीजन ये रहेगा। अब इसके अंदर आप कॉर्नर पॉइंट देखो, इसका नाम लिख देते हैं ओ ए बी सी डी, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, ओ ए बी, तीन आ रहे हैं, तो फिजिबल रीजन कौन सा है, पहले तो यह करो, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज ओ ए बी, और इसके तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, पता है ना, ओ के पता है, ए के पता है, बी के भी पता है, तो आप क्या कर दो इसके बाद ओ ए बी के तीनों पॉइंट पर जेड की वैल्यू निकाल लो, तीनों पॉइंट पर जेड की वैल्यू निकाल लो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक जेड टेबल बनानी पड़ती है, यहां पे लिखता है कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, क्लियर, और यहां पर लिखता है जेड, जेड इक्वल टू कितना है, थ्री एक्स प्लस, थ्री एक्स प्लस, यहां पर लिखा था जेड, थ्री एक्स प्लस फोर वाई, थ्री एक्स प्लस फोर वाई, क्लियर, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, एक तो जीरो जीरो है, एक कौन सा है फोर कॉमा जीरो है, एक कौन सा है जीरो कॉमा फोर है, क्लियर, तो लिखो यहां पर होगा थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू जीरो, ये कितना आएगा जीरो आएगा, यहां पर आएगा थ्री इंटू फोर प्लस फोर इंटू जीरो, ये कितना आएगा ट्वेल्व आएगा, और ये कितना आएगा थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू फोर, ये कितना आएगा सिक्सटीन आएगा, मिनिमम कौन सा हो गया जीरो हो गया, ये हो गया मिनिमम, क्लियर, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कितनी हो गई जीरो हो गई, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो पर क्या है जेड की मिनिमम वैल्यू है, क्लियर, इस तरीके से ये क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, और इस बार क्या करना है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों निकालने हैं, क्लियर, मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है जेड की और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, और कंस्ट्रेंट इक्वेशन इस बार तीन दे रखी है, क्लियर, इसको सोल्व करते हैं, देखो कैसे होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वही लिखो कन्वर्ट, कन्वर्टिंग गिवन इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशंस, ठीक है, इनइक्वालिटी को मैंने इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x प्लस टू वाई इक्वल टू हंड्रेड, देन होगा ये बन जाएगा x प्लस टू वाई इक्वल टू हंड्रेड, फर्स्ट तो ये बन जाएगी, सेकंड क्या बनेगी 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, थर्ड क्या बनेगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, ये तीन इक्वेशन बन जाएगी, तो तीनों इक्वेशन को अपन ग्राफ बनाएंगे, पहले एक एक को लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं x प्लस टू वाई इक्वल टू 100, क्लियर, ये कहाँ कहाँ मिलेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को, कहाँ कहाँ मिलेगा मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एट, पॉइंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू जीरो रखो, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी, जीरो रखने पर कितना आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है, वाई की वैल्यू जीरो रखने पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी, 100 आएगा, तो क्या हो गया एक तो
0,50 एंड एक हो गया 100,0। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, हाँ इसमें वो भी कर लो पहले कि सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, तो 0,0 सेटिस्फाई करा दे, सेटिस्फाई विथ 0,0, सेटिस्फाई विथ 0,0, 0,0 सेटिस्फाई कराओगे तो ये हो जाएगा 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 > 100। तो ये ट्रू हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, 0 100 से बड़ा नहीं होता, तो ये हो रहा है फॉल्स। इसका मतलब क्या होगा, रीजन क्या होगा, ओरिजन से दूर की तरफ होगा, तो रीजन अपोजिट अपोजिट टू ओरिजन, ठीक है, रीजन अपोजिट होगा, ओरिजन के अपोजिट साइड में होगा। तो इसका जैसे पहले ग्राफ बनाया, फर्स्ट 0,5 0,50 सपोज करो, यहां 50 ले ले तो ये हो गया 0,50, 0,50 यहां नहीं होगा, यहां होगा 100,0 होगा, तो 100,0 यहां ले लेते हैं, 100,0। क्लियर। और 0,50 यहां होगा, 0,50। क्लियर। इसको ज्वाइन कर लो, ये बन गई एक लाइन। क्लियर। अब पता करो कि इसका रीजन किस साइड होगा, अपोजिट टू द ओरिजन, इसका रीजन इस साइड होगा। क्लियर, अपोजिट टू द ओरिजन। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन पहले ये ले लेते हैं, 2x + y = 200, ये कहाँ मिलेगा, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एट, अब इसको पॉइंट पता करने के लिए क्या कर दो, इसकी टेबल बना दो, एक्स और वाई, एक्स को 0 पुट करने पर वाई की वैल्यू 200, वाई को 0 पुट करने पर, वाई को 0 पुट करने पर एक्स के लिए 100। क्लियर। तो एक तो होगा 200, 0,200 यहां पर होगा, 0,200, और एक होगा 100,0। क्लियर। तो 0,200 तो वो यहां से होगा, सपोज करो यहां पर होगा 0,200। क्लियर। और एक और है 100,0, वो यही है, 100,0 वो यही पॉइंट है। क्लियर। अब इसको आप इसके लाइन बनाएंगे, इसकी लाइन ऐसी बनेगी, ये यहां से जाएगा। क्लियर। अब इसका रीजन पता करें, सेटिस्फाई विद द 0,0, तो 0,0 सेटिस्फाई करेंगे, तो यहां लिखो 2 × 0 + 0 < 200, तो यह आ गया 0 < 200, बिल्कुल 0 200 से कम होता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू। इसका मतलब क्या होगा, रीजन कंटेनिंग ओरिजन, ओरिजन रीजन के अंदर होगा, मतलब क्या होगा, इसका रीजन नीचे की तरफ होगा और इसका रीजन ऊपर की तरफ होगा, तो अभी तक तो कॉमन रीजन ये आ रहा है। क्लियर। इसका नीचे, इसका ऊपर, तो कॉमन रीजन ये आ रहा है। अभी एक और इक्वेशन बाकी पड़ी है, ये है 2x + y, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन 2x - y = 0, इसको सोल्व करें, यहां से आएगा एक्स वाई इक्वल टू 2x आएगा। अब वाई इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा बनता है, ये क्या होगा, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो ये क्या होगा, ये ग्राफ किससे जाएगा, ओरिजन से पास होगा। अब ओरिजन से दो टाइप से पास हो सकता है, एक तो ऐसे भी होगा और एक ऐसे भी होगा, तो वाई इक्वल टू अगर 2x आ गया, प्लस का आ गया ना, वाई इक्वल टू 2 × x आ गया, तो प्लस का करने पर ये लाइन ऐसे पास होगी, और अगर माइनस का था, y = -2x आता, तो ये लाइन ऐसे पास होगी। आप वैसे ना करके आप पॉइंट्स पता कर लो, पॉइंट्स पता कर लो, कुछ भी दो पॉइंट ले लो, x की वैल्यू 10 ले लो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी, x की वैल्यू 10 लेने पर y की वैल्यू 20 आएगी, यहां पर x और y,
ये एक्स की वैल्यू 10 लोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। एक्स की वैल्यू 20 लोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी। तो 10 और 40 लेने पर मतलब ये सिंपल सा है कि इसका रीजन ऐसे जाएगा, क्लियर। एक्स की वैल्यू 10 और 20 यहीं पर आएगा, इनको उनको अपने को जरूरत नहीं है। अपने को मेन जरूरत का है कि इसका लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, क्लियर। तो अपने को डिसाइड हो गया कि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इसमें आप सेटिस्फाई विद द 0 0, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप 0 0 से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि ये 0 0 से तो ये लाइन पास हो रही है, क्लियर। 0 0 से तो ये लाइन पास हो रही है। मैंने यहां बताई थी कि 0 0 के अलावा कोई और पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। जैसे पॉइंट ले लिया, ये ले लिया 0.50 ले लेते हैं, 0.50। तो यहां लिखो सेटिस्फाई विथ विथ 0.50, यानी कि x की जगह तो आपको क्या रखना है, 0 रखना है, और y की जगह कितना रखना है, 50 रखना है। तो 2 × 0 − 50 < 0, ये क्या आएगा, −50 < 0। क्या −50 जीरो से कम होता है? क्या −50 जीरो से कम होता है? इसका मतलब ट्रू है, ये चीज क्या है, ट्रू है, ट्रू। तो इसका मतलब क्या होगा, रीजन कंटेनिंग, ये होगा कौन सा, 0.50, 0.50 को रीजन कंटेन करेगा। तो 0.50 किधर है, इधर है, तो इसका मतलब इसका रीजन इधर होगा, क्लियर। अगर इसको ये फॉल्स होता तो इसका रीजन इधर होता, तो कॉमन रीजन अभी ये आ रहा है, क्लियर। एक और बात है, एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो यहां से होगा, इस बात को भी लिख लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब होगा, रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। तो ये क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बात आती है कि ये जो चारों पांचों इक्वेशंस बनी है, जो भी इनके रीजंस निकले, उनमें से कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, तो कॉमन रीजन ढूंढना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिजिबल रीजन बनेगा। ध्यान से देखना, फर्स्ट वाली लाइन का रीजन ऊपर आया था, सेकंड वाली लाइन का रीजन नीचे आया था, इसका ऊपर और इसका नीचे, तो कॉमन ये वाला आ रहा है। इस लाइन का रीजन कहाँ आया था, इधर आया था, तो मतलब ये भी कॉमन आ रहा है। जब तक अगर ये दोनों नहीं दे रखे होते तो अपना कॉमन रीजन ये पूरा होता इसका, लेकिन इन दोनों के कारण क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो ये इधर आएगा, तो कॉमन रीजन ये बनेगा। यहां पर कॉमन रीजन क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, क्लियर। ये कॉमन रीजन बनेगा, क्लियर। आपको फिजिबल रीजन हो गया, और ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। इसको नाम दे दो आप, ओ ए बी सी डी और ई। अब यहां पर दो पॉइंट आ गए, डी और ई, क्योंकि वो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट है, तो उनके कोऑर्डिनेट अपने को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, डी कहां से, डी और ई कैसे निकलेगा, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, डी पॉइंट का इक्वेशन निकालने के लिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मतलब ये लाइन, इस लाइन को और इस लाइन को, इन दोनों लाइन को सोल्व करेगा तब डी की वैल्यू आएगी, क्लियर। तो D का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, सबसे पहले ये होगा x + 2y = 100, और एक है 2x - y = 0। इन दोनों को सोल्व करने से D का कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा, y की वैल्यू पुट कर दो, y = 2x है ना, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x + 2 × 2x = 100, ये कितना हो जाएगा, 5x = 100, देन x = कितना आ गया, 20, x की वैल्यू 20 यहाँ रख दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40, y की वैल्यू 40 आ गई, ये क्लियर हुआ। ये किसका पॉइंट आ गया, D का कोऑर्डिनेट आ गया, ये D का कोऑर्डिनेट आ गया, तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 20.40, क्लियर। और किसका, E पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको इस लाइन को और इस लाइन को सोल्व करना पड़ेगा, कौन सी दो लाइन को सोल्व करना पड़ेगा, ये होगा 2x + y = 200, और एक होगा x - y = 100। यहां से क्या रहा है, y = 2x आ रहा है, वाई की जगह क्या रख दो, 2x रख दो, ये क्या हो जाएगा, 2x + 2x = 200, ये हो जाएगा 4x = 200, देन x = कितना जाएगा, 200/4, ये से कट गया 50, x की वैल्यू 50 रख दो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें रख दो 50, तो y की वैल्यू 100 आ जाएगी, क्लियर। तो E पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 50.100, क्लियर, 50.100। तो देखो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो क्या आया था, 20.40,
और ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 50, 100, ये ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, क्लियर। डी और ई के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आगे क्या करना होता है, फिजिबल सभी कॉर्नर पॉइंट पर जेड की वैल्यू निकाल लो। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहां पर लिखो कॉर्नर पॉइंट, पॉइंट कौन कौन से है, एक तो है 0, 50, एक है 0, 200, एक है 50, 100 और एक है 20, 40, क्लियर। यहां पर एक बात और लिख देना, फिजिबल रीजन, इज कौन सा होगा, BDEC, ये आपका क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा, BDEC, क्लियर। अब जेड कितना दे रखा है, x+2y, जेड इक्वल टू क्या दे रखा है, x+2y, रखो x की वैल्यू 0 + 2 × y की वैल्यू 50, ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे रखो 0 + 2 × 200, ये कितना हो जाएगा 400, यहाँ पर होगा 50 + 2 × 100, ये कितना होगा 200 और प्लस 50 कितना होगा 250, और यहाँ पे रखो 20 + 2 × 40, 80 + 20, ये कितना हो गया 100 हो गया, क्लियर, ये 100 हो गया। अब मिनिमम कहाँ कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, मिनिमम यहाँ हो रहा है, ये क्या है मिनिमम है, और ये भी क्या है मिनिमम है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम पूछ रहा है, और ये क्या है मैक्सिमम है, क्लियर। ये दो तो मिनिमम है, दो मिनिमम आ गए, तो आप आंसर कैसे दोगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, यहां पे लिखोगे आप आंसर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 100, मिनिमम वैल्यू कितनी है 100, कहां पर, एट एक तो है 0, 50 एंड 20, 40, इन दो पॉइंट पर जेड की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 400 एट किस पॉइंट पर हो रहा है 0, 200, इस तरीके से आंसर दिया जाएगा, क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका, सबसे पहले इक्वेशंस निकालो, इनइक्वालिटी का ग्राफ देखो, फिजिबल रीजन ढूंढो, फिजिबल ढूंढने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स निकालो, कॉर्नर पॉइंट निकालने पर सभी कॉर्नर पॉइंट पर जेड की वैल्यू निकालनी है, ये प्रोसेस रहेगा अपना, क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बायोग्राफिकली और इस टाइप की इक्वेशंस गिवन है, क्लियर। तो प्रोसेस वही रहेगा अपना, क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, इन इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। इनइक्वालिटी को इक्वेशंस बना दो, तो ये बन जाएगा, एक तो हो जाएगा x = 3, एक हो जाएगी x + y = 5, एक हो जाएगा x + 2y = 6, क्लियर। ये तीन इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर। अब तीनों की इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट होगा x > 3, तो आप थोड़ा सा सोचना कि x > 3, x = 3 सपोज करो यहाँ पर है, x = 3 यहाँ पर है, तो x = 3 का ग्राफ ऐसा बनेगा, क्लियर। अब x > 3 मतलब x 3 से बड़ा होगा, x 3 से बड़ा, तो रीजन इसका इधर होगा, तो फर्स्ट वाले का रीजन क्लियर हुआ, x > 3 इसका रीजन इधर होगा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट की बात करें, ये किसकी है, x = 3 का ग्राफ है, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, इक्वेशन क्या है, x + y और = 5, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ मिलेगा, 0, 5 और 5, 0, तो लिख दो मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 0, 5 और 5, 0, एक्स की जगह 0 रखने पर 5 आ रहा है, वाई की जगह, आप इसका वही प्रोसेस थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का, एक्स और वाई 0, 5 और
ये हो जाएगा 50, क्लियर। और इसको क्या करो, रीजन पता करने के लिए किससे करो, सेटिस्फाई कर दो, सेटिस्फाई विथ 00, 00 से इसको सेटिस्फाई कर दो, तो रखो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5, ये क्या आ गया 0 ग्रेटर देन 5, क्या 0 5 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, तो क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। तो इसका मतलब रीजन अपोजिट टू ओरिजिन, क्लियर हुआ ये चीज, रीजन होगा ओरिजिन के अपोजिट होगा। तो पहले इसका ग्राफ बनाए, 5 यहां पर होगा और 5 यहां पर होगा, तो ये तो इसका इसका ग्राफ हो गया, क्लियर। और एक बात और है कि आप यहां पर इक्वेशन का नाम लिख दिया करो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस लाइन के ऊपर, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, उसका नाम इक्वेशन भी लिख दिया करो, क्लियर। इसका रीजन क्या होगा, रीजन अपोजिट टू द आउटसाइड इसका इधर होगा, क्लियर। एक और करें, कौन सी है, x प्लस टू वाई इक्वेशन, x प्लस टू वाई इक्वल टू 6 मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, एट इसका पॉइंट पता करने के लिए क्या कर दो, x की जगह 0 पुट कर दो, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो क्या क्या पॉइंट हो गया, एक तो 0,3 और एक हो गया 6,0, इन दोनों पॉइंट को करो, ये तो होगा आपका 5,0 और ये क्या होगा 0,5, एक है ना 0,3, 0,3 यहाँ पर होगा 0,3, क्लियर। और एक होगा 6,0, वो यहाँ होगा 6,0, क्लियर। इसको मिलाओ, इस तरीके से मिलेगा, क्लियर। अब इसका रीजन पता करो, क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई विथ 00, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो क्या होगा, रीजन अपोजिट टू ओरिजिन, क्लियर हुआ, ओरिजिन से अपोजिट होगा तो इसका भी रीजन उधर होगा, क्लियर। अब एक लास्ट एक और है, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा, रीजन किसमें होगा, रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। रीजन कौन से में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्लियर। अब आप कॉमन रीजन ढूंढो, देखो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉमन रीजन ये आएगा, क्लियर। कॉमन रीजन ओपन आएगा, अनबाउंडेड आएगा, अनबाउंडेड मतलब खुला आएगा, और इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट हो गया, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी, इसको नाम दे दो ई, इसको नाम दे दो एफ, इसको नाम दे देते एफ, और इसको नाम दे देते जी, क्लियर। अब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे, यहाँ पर देखना, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन कौन सा होगा, बी जी एफ और ये अनबाउंडेड वाला पूरा होगा, तो कौन सा होगा, बी जी एफ इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन इस बार आपका क्या आ गया, अनबाउंडेड आ गया, अनबाउंडेड मतलब खुला आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, किस किस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सबसे पहले ये देखे, देखो F का चाहिए और G का चाहिए, तो F का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है X प्लस 2Y इक्वल टू 6, ठीक है। F का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, एक तो X प्लस Y इक्वल टू 5 और एक X इक्वल टू 3, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, क्लियर। तो F का कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले, X प्लस Y इक्वल टू 5 और एक है X इक्वल टू 3, X की वैल्यू 3 इसके अंदर रख दो, तो कितना हो जाएगा, x 3 प्लस y इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
एफ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3.2 हो गया, क्लियर, 3.2 हो गया, एफ का कोऑर्डिनेट हो गया 3.2, क्लियर। और जी का कोऑर्डिनेट निकालना है, जी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा, इसको और इसको, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो g का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक है x प्लस 2y इक्वल टू 6, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, ये कट गया, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1, y इक्वल टू 1, y के लिए 1 रख दो इसके ऊपर वाली में, तो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो g का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4.1, क्लियर। तो g का कोऑर्डिनेट हो गया 4.1, यहाँ पे लिख दो, इसका तो हो गया 4.1 और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा f का 3.2, ये f का कोऑर्डिनेट होगा, ये 3 पॉइंट ऊपर जाएगा, यहाँ पर आएगा ये, क्लियर, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ये 2 इसके नीचे रहेगा ये पॉइंट, क्लियर, थोड़ा सा ग्राफ सही से बनेंगे तो, क्लियर। अब बात आती है पॉइंटों पर क्या निकाल लो, z की वैल्यू निकाल लो, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से है, एक तो है 6.0, एक है 3.2, एक है 4.1 और जेड कितना है, जेड इक्वल टू कितना है, माइनस एक्स प्लस 2y, तो देखो माइनस का 6 प्लस 2 इंटू 0 क्या आएगा, माइनस का 6, तो माइनस का 3 प्लस 2 इंटू 2 ये कितना आएगा, 1 आएगा, ये 4-3 1 हो गया, और ये होगा माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 1 ये कितना आएगा, माइनस 2 आएगा, क्लियर है क्या। अबे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कहाँ हो गया, ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया, अब मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि फिजिबल रीजन क्या आया, अनबाउंडेड आया, तो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आया तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाली है तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम है या नहीं है। तो उसके चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस 2y लेस देन 1 करना पड़ेगा, है ग्रेटर देन 1 करना पड़ेगा, क्लियर, मतलब जो आपके जो जेड है उसको 1 से बड़ा करो, मैक्सिमम करो। अगर ये चेक करेंगे अब फिर इसका क्या निकालेंगे, रीजन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, इसका ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा इसका ग्राफ बनाओगे, एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, और ये यहां पर होगा, यहां पर होगा 0 और 1/2, और वाई की वैल्यू 0 रखने पर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, ये यहां पर होगा -1, क्लियर, ये -1 यहां पर होगा। तो इसका रीजन कैसे बनेगा, इसका रीजन कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इसको मैं डॉटेड लाइन से बनाया रहा हूं, ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से बनाना है, डॉटेड लाइन से कैसे बनाओगे, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसको डॉटेड लाइन से। अब इसका रीजन देख लो, इसका रीजन इधर हो चाहे इधर हो, तो अब एक ही चीज देखनी पड़ती है, क्या देखना पड़ेगा कि इसके रीजन में, इसका रीजन किधर होगा, अब हम चेक कर ले, जैसे 0 0 सेटिस्फाई करें इसको, तो 0 + 0 ग्रेटर देन 1, तो 0 > 1 से होता है क्या, तो 0 > 1 मतलब ये क्या है, फॉल्स है, इसका रीजन इधर होगा, नीचे की तरफ होगा, क्लियर, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन यहां पर, लेकिन इसके रीजन में और फिजिबल रीजन में क्या कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, क्या आपको ये चेक करना है, इसके रीजन में और फिजिबल रीजन में कॉमन पॉइंट आ रहे हैं क्या, क्लियर, ये कब चेक करना है, ये अनबाउंडेड के केस में ही चेक करना है, क्लियर। तो इसका रीजन देखो, इसका रीजन इधर आ रहा है, फिजिबल रीजन ये रहा, इनमें कॉमन पॉइंट आ रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट कॉमन आ रहे हैं ना, इसका मतलब जो आपने जेड निकाला है 1 वो जेड नहीं है, क्लियर। तो यहां पर लिखना, ठीक है, अब लिखना There are many common point there are many common points from minus x plus 2y greater than 1 and feasible region
ठीक है, फिजिबल रीजन और इसके रीजन में खूब मतलब कॉमन पॉइंट्स मिल गए। तो कॉमन पॉइंट्स मिल गए तो इसका मतलब जो जेड की वैल्यू आपने 1 मैक्सिमम निकाली है तो वो जेड की वैल्यू 1 नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ? दोबारा बताएं, ये प्रोसेस सेम रहेगा, ये प्रोसेस सेम रहेगा। बात यह आती है अगर रीजन आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ गया, फिजिबल रीजन अगर अनबाउंडेड आ गया उस केस में आपको जो भी जेड की वैल्यू है वो मिनिमाइज हो चाहे मैक्सिमम, उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपने मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकाली है वो आपकी रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसका चेक करने का प्रोसेस क्या रहेगा? जैसे मान लो जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड दे रखा है, मैक्सिमम दे रहा है तो ग्रेटर देन उसकी मैक्सिमम वैल्यू रख देना, मैक्सिमम वैल्यू जो भी आई है वो रख देना। क्लियर? और अगर मिनिमम दे रहा हो तो लेस देन वन रख देना। अब इसका रीजन निकालो, पहले तो क्या करो इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ बनाया, डोटेड लाइन से बनेगा इसका ग्राफ डोटेड लाइन से बनाएगा। क्लियर? अब इसका ग्राफ बनाने के बाद इसका रीजन पता कर लो कि रीजन इधर होगा या इधर होगा। क्लियर? रीजन पता कर लिया। रीजन पता करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसके रीजन में और फिजिबल रीजन में अगर कुछ भी पॉइंट कॉमन आ गया, कुछ भी एक दो पॉइंट भी कॉमन आ गए, तो इसका मतलब जो आपने जेड निकाला है चाहे वो मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखना, ये आपको अनबाउंडेड के केस में ही करना है। क्लियर? कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब बात करते हैं कि एग्जाम में आपके दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा क्वेश्चन, एक तो एक नंबर का आएगा और एक क्या आएगा, तीन नंबर का आएगा। तो जो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको करना पड़ेगा कि आपके पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन गिवन होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन होगा, उन कंस्ट्रेंट इक्वेशन का ग्राफ बनाकर उनका फिजिबल रीजन बनाना है। मतलब आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। इस एलपीपी का सिर्फ फिजिबल रीजन पूछेगा। फिजिबल रीजन का मतलब जो भी आपकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन गिवन है, अभी किए थे हमने क्वेश्चन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन से आपको क्या करना है, वो ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के बाद जो शेडेड रीजन आएगा, शेडेड रीजन वो क्या हो जाएगा आपका फिजिबल, जो सभी कंस्ट्रेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा फिजिबल रीजन। वहां तक एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। क्लियर? और नेक्स्ट आएगा एक तीन नंबर का क्वेश्चन। तो एक तो क्वेश्चन होगा जो हम पहले कर रहे थे, मतलब क्या था कि आपको डायरेक्टली इक्वेशंस गिवन थी, उनका आपको जेड की वैल्यू निकालनी थी, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालनी थी। क्लियर? एक तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है, और एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा इसमें क्या होगा कि आपको क्या होगा, इक्वेशंस गिवन नहीं है, इसमें इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन को समझकर आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। क्लियर? तो इसमें इक्वेशन बनाने का प्रोसेस देखना, पहले इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा अच्छे से। क्लियर? तो क्वेश्चन समझो, ए डाइटिशियन विश टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड इन सच ए वे। मतलब क्या होगा, ए डाइटिशियन दो टाइप के फूड बनाता है, किस तरीके से दो टाइप के फूड मिक्स करता है, सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट। मतलब विटामिन ए की कम से कम एक 8 यूनिट कंटेन करनी है। क्लियर? और विटामिन सी की कितनी यूनिट करनी है, 10 यूनिट करनी है। फूड फर्स्ट, दो टाइप के फूड बना रहा है, फूड फर्स्ट कंटेन 8 यूनिट पर केजी विटामिन ए, फूड फर्स्ट के अंदर 8 यूनिट है, 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए होगा, और 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी होगा, 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी होगा, और फूड सेकंड के अंदर 1 यूनिट पर केजी विटामिन ए होगा, 2 यूनिट पर केजी क्या होगा विटामिन सी होगा। क्लियर? और इट कॉस्ट इज 50 रुपीज पर केजी टू परचेज फूड फर्स्ट। फूड फर्स्ट की कॉस्ट क्या होगी, 50 रुपीज पर केजी होगी, और फूड सेकंड की कॉस्ट कितनी है, 70 रुपीज पर केजी है। फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द मिक्सर। क्लियर? तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में बात इतनी है, दो टाइप के फूड है, फूड फर्स्ट और फूड सेकंड। क्लियर? फूड फर्स्ट में और सेकंड में उनमें विटामिन ए और विटामिन सी डालना है। विटामिन ए और विटामिन सी की एटलीस्ट क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 8 यूनिट तो विटामिन ए है, और एटलीस्ट क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी की कितनी है, 10 यूनिट है। क्लियर? फूड फर्स्ट के अंदर क्या क्या डलेगा, 2 यूनिट पर केजी, 1 केजी में 2 यूनिट विटामिन ए का डलेगा, और 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी का डलेगा। और फूड सेकंड के अंदर क्या डलेगा, 1 यूनिट पर केजी तो विटामिन ए डलेगा, और 2 यूनिट पर केजी क्या डलेगा, विटामिन सी डलेगा। क्लियर? फूड फर्स्ट की परचेज कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज पर केजी है। क्लियर? और फूड सेकंड की परचेज कॉस्ट कितनी है, 70 रुपीज पर केजी है।
तो इस टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करना है कि फुट फर्स्ट कितना बनेगा और फुट सेकंड कितना बनेगा। क्लियर? तो किसने लिखा है सॉल्यूशन करें इसका। लेट लेट डाइटिशियन डाइटिशियन मिक्स फूड फर्स्ट इज एक्स के जी। क्लियर? फूड फर्स्ट क्या ले रहा है, एक्स के जी को मिक्स कर रहा है, और फूड सेकंड क्या कर रहा है, फूड सेकंड इज वाई के जी। एक्स के जी तो फूड फर्स्ट को मिक्स कर रहा है और वाई के जी फूड सेकंड को मिक्स कर रहा है। क्लियर? अब इसका अपन क्या बनाएंगे, टेबल फॉर्म बनाएंगे, जो भी अपने को डाटा गिवन है उसकी हम टेबल बनाएंगे। क्लियर? यहां देखना आप टेबल, यहां पर लेते हैं विटामिन ए, ए और यहां पर लेते हैं विटामिन सी। क्लियर? और यहां पे लेते हैं फूड फर्स्ट, यहां पर लेते हैं फूड सेकंड। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? मतलब एक तरफ तो ले लो विटामिन ए और एक ले लो विटामिन सी। चलो ठीक है, पहले बात करते हैं फूड फर्स्ट में विटामिन ए कितना है। फूड फर्स्ट में विटामिन ए कितना, 2 यूनिट पर केजी। तो यहां लिखो 2 यूनिट पर केजी। क्लियर? फूड फर्स्ट में विटामिन सी कितना है, 1 यूनिट पर केजी, 1 यूनिट पर केजी। फूड सेकंड के अंदर विटामिन ए कितना है, 1 यूनिट पर केजी, 1 यूनिट पर केजी। और फूड सेकंड के अंदर विटामिन सी कितना है, 2 यूनिट पर केजी। ये क्या हो गया, 2 यूनिट पर केजी। क्लियर? ये तो अपने को डाटा गिवन था। अब एक और चीज है, एटलीस्ट वैल्यू। एटलीस्ट वैल्यू तो दे रखी है विटामिन सी की, तो यहां पे लिखो एटलीस्ट वैल्यू। एटलीस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, कितनी है, 8 यूनिट है। विटामिन ए की एटलीस्ट वैल्यू कितनी है, 8 यूनिट। क्लियर? विटामिन सी की एटलीस्ट वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? और एक और चीज दे रखी है, कॉस्ट भी दे रखा है। कॉस्ट किसकी दे रखा है, फूड फर्स्ट की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज पर केजी, और फूड सेकंड की कॉस्ट कितनी है, 70 रुपीज पर केजी। तो कॉस्ट इधर आएगी, फूड फर्स्ट की कॉस्ट इधर आएगी, तो यहां पर लिखो कॉस्ट। कॉस्ट इसका है 50 रुपीज पर केजी और इसका कितना है, 70 रुपीज पर केजी। क्लियर? तो ये क्या था, जो भी अपने को गिवन डाटा था उनका एक टेबल फॉर्म बना लिया। क्लियर? ध्यान से देखना, दोबारा देख लेना कि विटामिन ए विटामिन सी की क्वांटिटी दे रखी थी वो लिख दी। क्लियर? विटामिन ए की एटलीस्ट क्वांटिटी कितनी है, 8 यूनिट, वो मैंने यहाँ लिख दी विटामिन ए की। विटामिन सी की एटलीस्ट क्वांटिटी कितनी है, 10 यूनिट, एटलीस्ट क्वांटिटी ये लिख दी। क्लियर? अब कॉस्ट के बारे में दे रखा था, फूड फर्स्ट की कॉस्ट कितनी है, 50, और फूड सेकंड की कॉस्ट कितनी है, 70। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? अब इनका क्या बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस कैसे बनेगी, सबसे पहले एक चीज है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इट कॉस्ट फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट। इस कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जेड देखो, फूड फर्स्ट कितना है, एक्स के जी है, तो फूड फर्स्ट का रेट कितनी है, 50 है, 50 रुपए पर केजी है, तो एक्स के जी का कितना हो जाएगा, एक्स के जी का कितना रुपए हो जाएगा, 50 × x हो जाएगा, 50x प्लस वाई के जी का, मतलब फूड सेकंड, ये फूड सेकंड की कितना है, फूड सेकंड इज वाई के जी है, तो ये फूड सेकंड की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 केजी का कितना रुपए है, 70 रुपए है, तो वाई के जी का कितना हो जाएगा, 70 × y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 70 × y। ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जेड।
इसको क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है। क्लियर। अब बात आती है कंस्टेंट इक्वेशन। क्लियर, कंस्टेंट। अब देखो बात क्या बोल रखा है कि विटामिन सी की एटलीस्ट क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 8 यूनिट होनी चाहिए। मतलब कम से कम आपको 8 यूनिट विटामिन सी इन फूड फर्स्ट और सेकंड के अंदर मिक्स करना है। क्लियर। तो देखो इसके अंदर एक्स के जी है और ये 2 यूनिट पर के जी है, तो 1 के जी में कितना डाल रहे, 2 यूनिट डाल रहे हैं। तो एक्स के जी में कितना डलेगा, 2x डलेगा, नहीं डलेगा भाई। 1 के जी में 2 यूनिट डाल रहे हैं, 2 यूनिट डाल रहे हैं 1 के जी में। एक्स के जी में कितना डलेगा, 2 इंटू एक्स डलेगा, नहीं डलेगा, तो ये हो जाएगा 2x। क्लियर। फिर यहां पर देखो फूड सेकेंड 1 यूनिट के अंदर, 1 यूनिट के अंदर कितना डल रहा है, 1 के जी के अंदर 1 यूनिट डल रहा है विटामिन ए। तो y के जी के अंदर कितना यूनिट डलेगा, y, ये हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा प्लस y, और इसकी क्या हो जाएगी, एटलीस्ट, एटलीस्ट की बात कर रहा है, यानी कम से कम ये डलना चाहिए। तो एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 आएगा। मतलब कैसे आया 8, कैसे आया कि इसकी वैल्यू 8 या 8 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट है, इसकी वैल्यू कम से कम 8 या 8 से ज्यादा होनी चाहिए एटलीस्ट, और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 होना चाहिए, और एटलीस्ट का मतलब कम से कम इसकी वैल्यू 8 या फिर 8 से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर। तो इसमें यहां पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आएगा। क्लियर। नेक्स्ट इसकी बात करें, देखो ये कितना है, एक्स के जी है, और ये पर के जी कितना है, 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा इसका, एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस ये कितना पर यूनिट, कितना 2 के जी, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, वाई के जी है, तो ये कितना हो जाएगा 2y, और ये एटलीस्ट क्वांटिटी कितनी है, 10 है। एटलीस्ट आने पर यहां पर साइन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इक्वल टू भी आएगा, क्योंकि इसमें बात यह है कि 10 या फिर 10 से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब हो गया 10, कम से कम 10 यूनिट होनी चाहिए, तो यानी कि 10 भी हो सकता है या फिर 10 से ज्यादा भी यूनिट हो सकते हैं, तो आपको 10 यूनिट यूज करनी है। क्लियर। तो ये हो गई दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन, और दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमेशा बनेगी, ये बनेगी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों का आशय ही कि आपने जो फूड फर्स्ट बना रहे हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, तो कुछ ना कुछ तो जरूर बनाओगे, ऐसा तो नहीं कि x लेस देन 0 नेगेटिव में तो क्वांटिटी बनने से रही, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और y ग्रेटर देन 0 y की वैल्यू भी एक पॉजिटिव होगी, मतलब आप y भी कुछ ना कुछ जरूर बनाओगे, तो ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन बन गई। क्लियर। अब आपका वही क्वेश्चन वहीं पर आ गया, कहां पर आ गया कि आगे इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कैसे होगा, वही प्रोसेस रहेगा, वो दोनों का ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन बन गई, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। क्लियर। अब यहां पर ये क्लियर हुआ, इसको आगे सोल्व करें, इसको मिटा दें, ठीक है, ये जेड ये दे रखा है, आगे का प्रोसेस सेम रहेगा, सबसे पहले वही आगे प्रोसेस क्या रहेगा, कन्वर्टिंग इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इनको इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, और होगा एक एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 10। क्लियर, ये दो इक्वेशन बन गई। सबसे पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन करें, इक्वेशन इक्वेशन होगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस कहां पर होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कहां मिलेगा, इसका ग्राफ बना लो आप, ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा, x और y, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। क्लियर। तो क्या होगा, 0.8 एट 0.8 एंड 4.0। क्लियर। ऐसी तरीके से दूसरा निकाल लो, इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 10 मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट
ग्राफ बनाओ, टेबल बनाते हैं पहले एक्स और वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू जीरो रखो, वाई की वैल्यू फाइव आ रही है, वाई की वैल्यू जीरो रखो, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, टेन आ रही है, क्लियर। तो क्या हो गया, जीरो कोमा फाइव और टेन कोमा जीरो, क्लियर। जीरो कोमा फाइव और टेन कोमा जीरो, क्लियर। अब इनको ग्राफ बना लेते हैं पहले इनका, ठीक है। फर्स्ट वाले का करें जीरो कोमा एट, वाई तो एक्स तो जीरो और वाई एट, तो जीरो कोमा एट यहां ले ले, ये ले लेते हैं जीरो कोमा एट, क्लियर। और ये फोर कोमा जीरो, ये हो गया फोर कोमा जीरो, क्लियर। इन दोनों को मिला लो और इसके ऊपर ये इक्वेशन का लाइन लिख देना, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट, ये इक्वेशन का नाम भी लिख देना इसके ऊपर, क्लियर। सेकंड वाले इक्वेशन मिलाओ, एक तो होगा जीरो कोमा फोर, जीरो कोमा फाइव, ये यहां से होगा जीरो कोमा फाइव, जीरो कोमा फाइव। दूसरा होगा टेन कोमा जीरो और ये फोर, ये यहां से होगा टेन, ये टेन कोमा जीरो। इसको और इसको मीट कर लो, ठीक है। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दो, क्या है, एक्स प्लस, ये लिख दो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टेन, क्लियर। ये इक्वेशन लिख दिया, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टेन। अब इनका रीजन पता कर लो, इनका रीजन किस साइड होगा, तो दोनों क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो, किससे, जीरो जीरो से, विथ जीरो जीरो, तो रखो इसके अंदर जीरो, फर्स्ट वाले के अंदर ये हो जाएगा टू इंटू जीरो प्लस जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एट, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एट, ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है। तो रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड होगा, रीजन ठीक है, रीजन अपोजिट साइड होगा। नेक्स्ट इसका निकाले, इसका सेटिस्फाई करें विथ जीरो जीरो, तो इसको करोगे तो ये क्या होगा, जीरो प्लस टू इंटू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू टेन, ये आ जाएगा जीरो, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब इसका भी रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड होगा, क्लियर हुआ, रीजन अपोजिट टू ओरिजिन, क्लियर। और दो चीज वही है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इन दोनों का क्या मतलब होगा, रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये रीजन हो गया। अब इसको यहां से हटा दे, इसकी यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी जेड की, तो जेड लिख लेते हैं यहां पे, मिनिमाइज, मिनिमाइज जेड, हो जाएगा 50x प्लस 70y, इसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे ये इनको हटा देते हैं यहां से, क्लियर। हाँ, अब आगे देखें, कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, इसका भी इधर आ रहा है, इसका भी इधर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कॉमन रीजन ये आ रहा है, क्लियर, कॉमन रीजन ये आ रहा है। अब इनको पॉइंट्स को आप नाम दे दो, इसका नाम जीरो ओ ए बी सी डी और ई, तो फिजिबल रीजन कौन सा होगा, बी सी ई, फिजिबल रीजन कौन सा होगा, बी सी ई, तो यहां लिखो फिजिबल रीजन इज बी सी ई, BCE is unbounded, ठीक है, फिजिबल रीजन आपका BCE अनबाउंडेड आ गया, तो अनबाउंडेड के केस में अपने को चेक करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। एक आपने को C पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, C पॉइंट का, देखो B का कोऑर्डिनेट पता है, E का कोऑर्डिनेट पता है, कॉर्नर पॉइंट में, तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने से आएगा, मतलब जो दोनों इक्वेशन, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट C है,
ठीक है, उन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 10, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 16, क्लियर, दोनों को माइनस कर दो, ये कट गया, ये कितना बच गया माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 6, देन x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, x की वैल्यू 2 इसके अंदर रख दो, इसके अंदर रख दे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 8, ये इधर गया पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, तो c पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, c का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,4, क्लियर, तो c पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,4, ये c पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे क्या देख करना है, सभी कॉर्नर पॉइंट पर z की वैल्यू निकाल लो, कॉर्नर पॉइंट जेड कितना है 50x प्लस 70y, और कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, एक तो 10,0 है, एक है 0,8 है, और एक है 2,4 है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब निकालो, सबसे पहले 10,0 इस पे निकालो, 50 इंटू 10 प्लस 70 इंटू 0, ये कितना आ गया 500। नेक्स्ट बात करें 50 इंटू 0 प्लस 70 इंटू 8, ये आ जाएगा 560, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 प्लस 70 इंटू 4, ये कितना होगा 200, ये हो जाएगा 380, ठीक है। आपको क्या निकालना था, मिनिमम निकालना था, मिनिमम कौन सा है, ये है मिनिमम, मिनिमम कौन सा है ये, तो जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 380 आ गई। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि फिजिबल रीजन क्या आया था, अनबाउंडेड आया था, तो जो आपने मिनिमम वैल्यू निकाली उसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये रियल में आपकी मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए क्या करना पड़ता था, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ये 50x प्लस 70y, और यहाँ पर ये मिनिमम था तो यहाँ पर लेस देन करना है, लेस देन करना है, और ये कितना हो जाएगा 380, क्लियर, इसको क्या करना पड़ेगा आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से एक काम कर लो, इसमें जीरो जीरो काट दे, तो हो जाएगा 5x प्लस 7y लेस देन 380, क्लियर। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ देखो, x की वैल्यू जीरो रखो, y की वैल्यू आएगी 38 अपॉन 7 आएगा, तो आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी कि ये पॉइंट यहां पर होगा, समथिंग यहां पर होगा, सपोज यहां पर होगा, क्लियर। और y की वैल्यू जीरो रखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी 38 अपॉन 5, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो पॉइंट यहां से होगा 4 है, तो यहां से होगा 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब इस लाइन को हमको किससे बनाना है, डॉटेड से बनाना है। अब एक और चीज चेक करो कि ये जो लाइन मिलेगी, ये जो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन है, ये लाइन इसके इधर से जाएगी या इसके इधर से जाएगी, तो इसका मतलब एक बार एक काम कर लो, 4 इसके अंदर सेटिस्फाई करवा के देख लो, तो 2,4 सेटिस्फाई हो रहा है, इधर करोगे ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4, ये कितना होगा 38 हो गया, तो इसका मतलब ये 2,4 से ये लाइन पास होगी, ये लाइन क्या होगी 2,4 से ही पास होगी, तो ये लाइन कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। इसके इक्वेशन क्या होगी 5x प्लस 7y, और ये इक्वल टू लिख देते हैं 38, इक्वल टू में तो वैसे डॉटेड आएगा, 38 लिख देते हैं, क्लियर। अब यहां पर एक चीज चेक करते हैं, कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ध्यान से देखना किधर होगा, पहले ये भी पता कर लो इसका रीजन, जैसे x की वैल्यू जीरो रखोगे और y की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये क्या हो गया 38, जीरो लेस देन 38, इसका रीजन इधर होगा, इसका रीजन नीचे की तरफ होगा, क्लियर, ये ट्रू हो रहा है, इसका रीजन नीचे की तरफ होगा, इसके फिजिबल रीजन में और इसके रीजन में कुछ भी कॉमन पॉइंट आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, आपके दिमाग में आ रहा कि सर ये 2,4 पॉइंट कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, ये फिजिबल रीजन में भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, तो यहां पर ये जो 2,4 ये जो पॉइंट है वो फिजिबल रीजन में तो है लेकिन इस लाइन के ऊपर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लग रहा,
इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन को मैंने डोटेड क्यों बनाया, डोटेड इसलिए बनाया कि इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसके इधर के पॉइंट होंगे सारे, लेकिन लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, क्लियर। तो जो 2,4 है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, इसके रीजन के अंदर 2,4 नहीं आएगा, इस लाइन के इधर इधर के पॉइंट सारे आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन। तो बात यह आती है कि इसके रीजन में और फिजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है क्या, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप लाइन लिखनी पड़ेगी, There are no common point between फाइव एक्स प्लस सेवन वाई लेस देन 38 एंड फिजिबल रीजन। ठीक है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है, तो कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अगर कॉमन पॉइंट आ जाता तो जो ये जेड की वैल्यू निकाली वो आपकी मिनिमम नहीं होती, लेकिन कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू कितना होगा, 380 होगा, मतलब उसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी दोनों फूड्स की, जेड के ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम कॉस्ट कितना हुआ, 380 रुपीज, क्लियर, एट एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 4, और 2 एक्स किसको माना था, फूड फर्स्ट को, फूड फर्स्ट ठीक है, फूड फर्स्ट कितना होगा, फूड फर्स्ट इज 2 kg, ठीक है, और फूड सेकंड कितना होगा, एंड फूड सेकंड इज 4 kg, मतलब फूड फर्स्ट को आपको 2 kg यूज बनाना है और फूड सेकंड 4 kg यूज करना है, और उन दोनों को इतना यूज करने के बाद जो भी अपनी कंडीशन दे रखी थी कि विटामिन सी एटलीस्ट 8 यूनिट लेना है, विटामिन ए एटलीस्ट 8 यूनिट लेना है और विटामिन सी 10 यूनिट लेना, उन सभी कंडीशंस को रखते हुए आपकी मिनिमम कॉस्ट कितनी आ गई, 380 आ गई, और फूड फर्स्ट को 2 kg लेना है और फूड सेकंड को आपको 4 kg लेना है, क्लियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। हाँ, तो यहाँ एक और क्वेश्चन है, ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरर मेक टेबल एंड चेयर। इस बार एक फर्नीचर है जो एक मैन्युफैक्चरर है, क्या बना है, टेबल और चेयर बना रहा है, क्लियर। इसमें कंडीशन है, देयर आर मेड ऑन 2 मशीन ए एंड बी, वो टेबल और चेयर बनाने के लिए आपको बस 2 मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, एक को नाम दे दिया मशीन ए और एक को नाम दे दिया मशीन बी। मशीन ए टेक्स 2 आवर्स, मशीन बी टेक्स 4 आवर्स टू मेक ए चेयर, मतलब चेयर बनाने के लिए मशीन ए पर 6 घंटे काम करना, 2 घंटे काम करना पड़ेगा, मशीन बी पर 6 घंटे काम करना पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट है, मशीन ए टेक्स 4 आवर्स और मशीन बी टेक्स 2 आवर्स टू मेक ए टेबल, टेबल बनाने के लिए ए पर तो 4 घंटे काम करना पड़ेगा और बी पर 2 घंटे काम करना पड़ेगा, क्लियर। मशीन ए एंड बी आर यूज 60 आवर्स और 30 आवर्स, मतलब मशीन ए और बी 60 और 30 आवर्स के लिए ही आप यूज कर सकते हो। अब यहां पर आ गई कि 30 आवर्स तो होते ही नहीं है, तो 30 आवर्स इसका मतलब आप अंदर मशीन बी, तो मशीन बी कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो मतलब दोनों का टाइम, मतलब दो जैसे 4 मशीनों, चारों का टाइम मिलाकर आप उन मशीन बी को 30 घंटे तक ही यूज कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट है, द मैन्युफैक्चरर अर्न ए प्रॉफिट 3 रुपीज एंड 5 रुपीज ऑन सेलिंग चेयर, मतलब चेयर के ऊपर तो वो 3 रुपए का प्रॉफिट लेता है और टेबल के ऊपर 5 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल टू मैन्युफैक्चर बाय पर डे, एक दिन में कितने चेयर और कितनी टेबल बनाएगा, सो एज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, क्लियर। समझ में आई कि टेबल और चेयर बनाने के लिए 2 टाइप की मशीन यूज हो रही है, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए पर इतना टाइम ले रही है, मतलब क्या बोलते हैं, चेयर बनाने के लिए मशीन ए पर इतना टाइम लगेगा, मशीन बी पर इतना टाइम लगेगा, टेबल बनाने के लिए मशीन ए पर इतना, मशीन बी पर इतना टाइम लगेगा, और दोनों मशीन 16 और 30 घंटे के लिए अवेलेबल है अपने पास, और यहाँ पर क्या बोल रखा है, उसके ऊपर प्रॉफिट दे रखा है अपने को, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ चेयर निकालना है, नंबर ऑफ चेयर, और तो क्या होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, क्लियर। इसका सॉल्यूशन आप देखना कैसे होगा, लेट मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर
नंबर ऑफ चेयर, मतलब नंबर ऑफ चेयर इज एक्स मान लो, और नंबर ऑफ चेयर क्या मान लो, वाई मान लो। लिखो लेट मैन्युफैक्चरर, मैक नंबर ऑफ चेयर क्या मान लो, एक्स मान लो, मतलब एक्स तो नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ चेयर मतलब एक्स चेयर बना रहा है, और नंबर ऑफ टेबल कितना मान लो, वाई मान लो, मतलब वाई टेबल बना रहा है एक दिन में पर डे, ठीक है, ये बात कर रहा है पर डे एक दिन में, क्लियर। तो यह हो जाएगा पर डे, यहां पे भी लिख दो पर डे, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है, अपने को एक टेबल फॉर्म बनानी है, इसकी एक टेबल बना लो, जो भी अपने को डाटा गिवन है उसकी अपन टेबल बनाते हैं, क्लियर। यहां पर ले लेते हैं चेयर, और यहां पर ले लेते हैं टेबल, क्लियर। यहां पर ले लेते हैं मशीन ए, और यहां पर ले लेते हैं मशीन मशीन ए और मशीन बी, क्लियर। अब देखते हैं चेयर पर मशीन ए कितना ले रही है, चेयर पर मशीन ए ले रही है 2 आवर्स, ये कितना हो गया 2 आवर्स, और चेयर पर मशीन बी कितना ले रही है 6 आवर्स, 6 आवर्स, टेबल पर मशीन ए कितना ले रही है एंड 4 आवर्स, 4 आवर्स, और इसके ऊपर कितना ले रही है मशीन बी कितना ले रही है 2 आवर्स, ये ले लिया 2 आवर्स, ठीक है, ये अपने को गिवन है। नेक्स्ट है मशीन ए कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, ठीक है 60 आवर्स के लिए अवेलेबल है, मशीन बी कितनी है 30 आवर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है, एक चेयर पर प्रॉफिट हो रहा है कितना 3 रुपीज का, तो यहां लिखो प्रॉफिट, थ्री रुपीज का हो रहा है, जैसे लिखो रुपीज 3, और इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपीज का, क्लियर। इस तरीके से टेबल बनाई है, क्लियर। इस टेबल को आप अच्छे से ना, इस पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन ये रहा, इस पूरे क्वेश्चन को यहां पर आपने रीड कर लिया है, क्लियर। अब क्या करना है, इनकी इक्वेशंस बनानी है, क्लियर। अब आप ध्यान से देखना, देखो ये बोल रहा है एक्स चेयर बन रही है, एक्स चेयर बन रही है, तो ये हो गया ना, देखो ये चेयर कितनी हो रही है 2x हो जाएगा, ये हो गया, देखो मशीन की बात करें मशीन है 2, ये देखो 2 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो हो जाएगा 2x प्लस 4y, और ये 16 अवेलेबल है, तो 16 घंटे किससे ज्यादा आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो देखो सबसे पहले तो देखो मान लो, तो एक तो देखो कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे बनेगी, 2x, देखो इसको x से करना, चेयर कितनी है x है, x चेयर है, और 2 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो कितना हो जाएगा 2x, टेबल कितनी है y है, और कितने के लिए 4 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y, और ये लास्ट कितने हैं 16 आवर्स, आप 16 आवर्स से ज्यादा इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 हो सकती है, 16 से कम यूज कर सकती हो, क्लियर। इसमें लेस देन एंड इक्वल टू आएगा, क्लियर। आप मशीन एक को लास्ट 16 आवर्स के लिए यूज कर सकते हो, क्लियर। दूसरी बात करें चेयर कितनी है, चेयर एक्स है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6x, ये कितनी है वाई, तो ये कितना हो जाएगा 2y, तो दूसरी क्वेश्चन हो जाएगी 6x प्लस 2y, और ये लेस देन एंड इक्वल टू 30, ये भी क्या है अपने 30 आवर्स के लिए अवेलेबल है, क्लियर। तो ये 2 कंस्ट्रेंट क्वेश्चन हो गई, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, उसको क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है जेड इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है प्रॉफिट, ये कितनी है एक्स है, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, क्लियर। और 2 कंस्ट्रेंट क्वेश्चन अपनी फिक्स रहेगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कैसे आया कि आपने जो नंबर ऑफ चेयर बना रहे हो वो नेगेटिव में तो बनाने से रहे,
तो वो पॉजिटिव होगी, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ बनाओगे तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ बनाओगे तो वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का इक्वेशन बन गया। क्लियर? इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाना है, आगे सोल्व करना है तो आगे तुरंत सोल्व कर दे। यहां देखना आप ध्यान से, जेड जेड को मैक्सिमाइज करना है, जेड इक्वल टू कितना है 3x प्लस 5y, ठीक है। दूसरी बात है ये वाली इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, इसको 2 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ये क्या हो जाएगी आपकी कंस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन भी किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15, और दो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है क्या ये चीज? ये चीज सबको क्लियर है? मैंने क्या किया इसको 2 से और इसको 2 से डिवाइड किया, थोड़ा सिंपल कर लिया। अब आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा वही, इसको यहां से मिटा देते हैं। अब मैं यहां पर कुछ लैंग्वेज आपको थोड़ा सा लिखना है, फर्स्ट प्रोसेस वही रहेगा कन्वर्टिंग द, कन्वर्टिंग क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनको, कन्वर्टिंग इनइक्वालिटी, इनटू इक्वेशन, ठीक है। इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना, फिर आप बात करना इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 8, ये कहाँ मीट करेगा, इसके लिए आपको वही टेबल बनानी पड़ेगी और बिल्कुल आसानी से बनाओगे। एक्स जीरो रखोगे तो वाई कितना आएगा 4 आएगा, वाई जीरो रखोगे तो एक्स कितना आएगा 8 आएगा। कहाँ मीट मिलेगा, पॉइंट्स क्या क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे एक तो होगा 0.4 और एक होगा 8.0। क्लियर है क्या ये चीज? दूसरी बात करें इक्वेशन सेकंड कौन सी है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, इसका टेबल बनाओगे, x 0 रखोगे तो y 15 आएगा और y 0 रखोगे तो x 5 आएगा। क्लियर? x 5 आएगा, इसके पॉइंट्स हो गए क्या क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए एक तो 0.15 और एक हो गया 5.0। क्लियर? अब इसमें वही पहले इसका ग्राफ बना लो आप, पहले 0.4, 0.4 यहां ले ले, ये हो गया 0.4 और 8.0 ये हो गया 8.0। क्लियर? इसको इसको मिला लो आप, ये बन गया। क्लियर? नेक्स्ट है 0.15, 0.15 यहां से ले ले, ये हो जाएगा 0.15 और 5.0, 5 यहां पर होगा, ये हो गया 5.0। इसको इसको मिला लो। क्लियर? अब एक चीज ये जरूर कर देना आप, यहां पर इक्वेशन का नाम लिख देना, ये क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 8 और इस इक्वेशन का क्या नाम है 3x, 3x प्लस y इक्वल टू 15। क्लियर? इक्वेशन का नाम लिख देना ताकि इसमें कंफर्म हो जाए कि कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन की है, ठीक है। फिजिबल रीजन पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, 0-0 से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो यहां पर करो सेटिस्फाई विथ 0-0, तो ये कितना हो जाएगा 0+0, ये टोटली 0 हो जाएगा, ये 0 < 8 आ जाएगा, ये ट्रू है, तो क्या होगा रीजन कंटेनिंग ओरिजिन या फिर 0-0, ठीक है, रीजन कंटेनिंग 0-0, यहां पर भी 0-0 पुट करोगे तो 3 × 0+0, ये भी क्या हो जाएगा 0, 0 < 15, ये भी क्या है ट्रू है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा रीजन सेम होगा कंटेनिंग 0-0। क्लियर? 0-0। अब दूसरी बात है, एक लास्ट है एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब होगा रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये चीज है। तो अब आपका इसका कॉमन रीजन देखो, इसका भी नीचे है, इसका भी नीचे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो कॉमन रीजन ये वाला आएगा, क्लियर, ये आएगा कॉमन रीजन, क्लियर। और अब इसके लिए आपको ये पॉइंट चाहिए, इसको नाम लिख दो ए बी सी डी, तो डी पॉइंट चाहिए, तो डी पॉइंट क्या होगा, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करो, ये हो जाएगा x प्लस टू वाई इक्वल टू एट, और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो क्या करें, ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 24, माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कैंसिल हो गए, 3x से 3x कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया माइनस का 5y, और ये कितना बचेगा 9, माइनस का 9, क्लियर, y इक्वल टू 9/5, और y की वैल्यू आप कहीं भी रख दो, इसमें रख दे, सेकंड वाले में आसान रहेगा, ये हो जाएगा 3x और ये 9/5 उधर जाएगा 15 माइनस 9/5, क्लियर। एक काम कर लो, पूरी क्वेश्चन को पहले 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 3/5, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 3, 22/5, क्लियर। तो d का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 22/5 और 9/5, क्लियर, ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, क्लियर। अब डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, कॉर्नर पॉइंट निकाले, सारे कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, या लिखो कॉर्नर पॉइंट जेड इक्वल टू कितना है 3x प्लस 5y, और कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, एक तो 0-0 है, एक है 5-0, एक है 0-4, और एक है ये कितना 22/5 कोमा 9/5, ठीक है, इन सब पर वैल्यू निकालते हैं। 0-0 पर निकालेंगे 3 × 0 5 × 0, ये कितना आएगा 0 आ गया, इस पर निकालेंगे 3 × 5 प्लस 5 × 0, ये कितना आ गया 15 आ गया, 3 × 0 और 5 × 4, ये कितना आएगा 20 आएगा, और ये आएगा 3 × 22/5 और 5 × 9/5, क्लियर, ये हो जाएगा 66 और 45, 66 ठीक है, 66 और 45 ये कितना हो जाएगा 111/5, क्लियर, ये हो जाएगा 20 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम यही हो रहा है, मैक्सिमम ही निकालना है अपने को, तो मैक्सिमम क्या होगा मैक्सिमम, और यहाँ पर फिजिबल रीजन आप पे क्या रहा, बाउंडेड आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम प्रॉफिट लिख लेते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज 111/5, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा 114, कहां पर होगा, व्हेन नंबर ऑफ चेयर कितनी होगी एंड नंबर ऑफ टेबल 9/5, क्लियर, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं जेड इक्वल टू दिस और कंस्ट्रेंट इक्वेशन ये है, तो बात हम क्या करना चाहें, बात ये है कि आपके क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन पुटअप होगा, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं कि आपका एक नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें सिर्फ आपको फिजिबल रीजन पूछेगा, एक नंबर का क्वेश्चन वहां से आएगा तो आपको सिर्फ फिजिबल रीजन ही बताना है, क्लियर, फिजिबल रीजन का मतलब आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को कंप्लीट हो जाएगा, आपको जो भी कंस्ट्रेंट जो भी रीजन आएगा उसको शेडेड करके ये आपका फिजिबल रीजन बता देना कि फिजिबल रीजन इज दिस ABCD, कुछ भी लिख के ABCD, ये आपका फिजिबल रीजन है, क्लियर, और एक क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, क्लियर, ध्यान रखना एक क्वेश्चन यहां से आएगा, दो क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात एक और है कि जनरली क्वेश्चन कहां से आता है, जनरली क्वेश्चन में आपको मतलब इक्वेशन डायरेक्टली गिवन होती है, जनरली क्या होता है इक्वेशन आपको डायरेक्टली गिवन होगी, मतलब जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी में से जनरली क्वेश्चन आता है, बाकी सेकेंड एक्सरसाइज में से चांस है, लेकिन ज्यादातर चांस कौन से है, फर्स्ट एक्सरसाइज में से आने के चांस है, क्लियर। तो जैसे उसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन है जेड इक्वल टू दिस और ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, इनका ग्राफ बनाते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले वही प्रोसेस रहेगा कन्वर्टिंग इनइक्वालिटी
इनटू इक्वेशन, ठीक है, इक्वलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू थ्री, दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। इसका इसका पॉइंट्स देखे तो क्या आएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू थ्री। तो इसका ग्राफ बना, इसका पॉइंट्स बनाओगे तो क्या होगा, जीरो थ्री और थ्री जीरो, एक तो होगा जीरो थ्री और थ्री जीरो, ये होगा। तो पॉइंट्स क्या होंगे, एक तो होगा जीरो थ्री, एक होगा थ्री कोमा जीरो, क्लियर। इसको क्या करेंगे, जीरो जीरो सेटिस्फाई करेंगे, बाद में एक बार को पहले इसको देखो इक्वेशन दूसरी कौन सी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। इसका अगर आप ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाएंगे तो इसमें एक्स और वाई क्या आएगा, जीरो सिक्स और सिक्स जीरो, क्लियर। इसके पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा जीरो कोमा सिक्स, एक होगा सिक्स कोमा जीरो, क्लियर। वही चीजें सेटिस्फाई कर दो, विथ जीरो जीरो, जीरो जीरो सेटिस्फाई करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, जीरो लेस देन इक्वल टू थ्री, थ्री ये ट्रू हो रहा है, इसका मतलब रीजन कंटेनिंग ओरिजन, जीरो जीरो, ठीक है। और इसको सेटिस्फाई करोगे तो ये क्या आएगा, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रीजन अपोजिट टू ओरिजन, ठीक है। और दो इक्वेशन वो ये एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो, इसका क्या मतलब रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। इसका ग्राफ बनाओ, सबसे पहले जीरो थ्री, यहां पर होगा थ्री और यहां पर भी होगा थ्री, तो ये तो होगा जीरो थ्री और ये क्या होगा, थ्री जीरो, इन दोनों को मिला लो और एक होगा जीरो सिक्स और सिक्स जीरो, तो यहां ले लेते हैं सिक्स और इतना ही गैप, ये ले लेते हैं सिक्स, इन दोनों को मिलाओ, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, ये तो हो गया जीरो सिक्स और ये हो गया सिक्स जीरो, ठीक है। अब रीजन देखें, रीजन ठीक है, फर्स्ट वाले का रीजन किधर होगा, जीरो जीरो की तरफ होगा, सेट होगा, फर्स्ट वाले का रीजन इधर होगा, इधर होगा, ठीक है। सेकंड वाले का रीजन अपोजिट ओरिजिन का अपोजिट, ओरिजिन इस साइड है, इसके अपोजिट, इसका इस साइड होगा, ठीक है क्या। अब आप बताओ, और इनका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बताओ दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है तो फिजिबल रीजन कॉमन आ रहा है क्या, इसमें इसमें कुछ रीजन कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर नो फिजिबल रीजन, क्लियर। तो यहाँ पर एक बात आएगी, देयर इज नो फिजिबल रीजन, ठीक है, इसका मतलब इसमें लिखना पड़ेगा, तो द प्रॉब्लम हैविंग नो फिजिबल रीजन, ठीक है, इस प्रॉब्लम का फिजिबल रीजन नहीं है, सो ये क्या होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, क्लियर। तो मैं लास्ट में एक बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपका दो क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के में आएगा, आपको सिर्फ फिजिबल रीजन निकालना है तो एक नंबर का क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना सबके सब, क्लियर। और एक तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको फिजिबल रीजन निकालकर जेड की वैल्यू निकालनी है, और जनरली आपके डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन होगी, मतलब आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में सोल्व करना है, क्लियर। और मतलब आपको जितनी हो सके उतनी लैंग्वेज आप लिखनी है, आप एक एग्जाम्पल्स में देखना कि किस टाइप से लैंग्वेज लिखी हुई है, मतलब आप लैंग्वेज अच्छे से बना के लिखना, क्लियर। और क्वेश्चंस को मतलब एकदम आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप अच्छे से करना, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्लियर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।